बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह साहब बहन भाई इंशाल्लाह खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होता है। वो अलग बात है कि हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जो कि हमें उसका उस अच्छी चीज़ को ज़ाया कर देते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये एक पाइप था जो कि आप देख रहे हैं, हमने मकान न्यू बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख ही रहे हैं पीछे, अभी प्लास्टर वगैरह नहीं करवाई है दोबारे। तो जब मकान बनाए तो मोटर का जो बोर है वो हमने चेंज किया, तो उस बोर के नीचे से एक पुराना पाइप निकला जो कि ये आप देख रहे हैं, जिसके अंदर मैंने सब्ज़ी लगाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो ये मैंने सब्ज़ी लगाई हुई है, ये पड़ा हुआ था वेस्ट, और मैं बस मेरा काम होता है कि मैं कोई ना कोई बेकार जो चीज़ होती है ना उसका कोई ना कोई हल निकाल लेता हूँ। तो मुझे सब्ज़ी वगैरह लगाने का, पौधों का बचपन से इंतहा का शौक़ था मेरा, इसे आप जुनून भी कह लें, लेकिन ये है कि कभी मैंने पूरा नहीं किया है। वो अलग बात है कि खेतों में जा कर पौधे वगैरह लगाता हूँ, लेकिन सही तरह से मैंने कभी इसे पूरा नहीं किया है। तो ये पाइप में मुझे नज़र आया तो मैंने देखा यार इसकी कोई ना कोई चीज़ तो बन सकती है। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं छत के ऊपर इसके अंदर सब्ज़ी लगा दूँ। तो काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने पाइप को काटा, और पाइप को काटने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें बीज लगाए मेथी और मेथी के, जो कि मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इसमें सब्ज़ी उगी हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह इसके अंदर मेथी मैंने लगाई हुई है, मेथी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ग्रो की है, ये सेंटर से नहीं हुई है, और बाकी माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी है, ये देखें माशाल्लाह। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, हम उसका कोई ना कोई हाल ज़रूर निकाल सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करें। तो ये मेथी मैंने लगाई थी, मेथी माशाल्लाह उग रहे हैं अभी, बीच बीच में से ये निकले हुए हैं माशाल्लाह। इस पाइप को मैंने तैयार किस तरह किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये इसके जो यहाँ तक ये पाइप का कट था, तो बोतल लेके मैंने बोतल को इसके इस पाइप के अंदर डाला है, ये बोतल तकरीबन यहाँ तक आ गई थी अंदर, तो उसको बाद में अच्छे से मैंने टेप कर दिया ताकि पानी ना निकले। तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरह किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटी सी जी ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें और लगाई हुई हैं यहाँ पर, वो है जी ये मैंने लेमन ग्रास लगाया हुआ है, और आगे दोपहर की रानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा सा गार्डन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।